हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। तो मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस फाइनेंस क्या चीज़ होती है। बिजनेस से तो आप समझते होंगे क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी, फंड्स। तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग है मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, उन्हें कैरी ऑन करने के लिए आपको जिस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस। एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि टू रन अ बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस रन करना है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एसेट्स खरीदने हैं, कुछ बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर, कुछ भी अपने फर्म के लिए खरीदना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना है, वेजेस पे करनी है, इन सब के लिए आपको बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस फाइनेंस आपका जो होता है वो ब्लड ऑफ बिजनेस उसे कहा जाता है। और ब्लड ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे फर्म की सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी है, उसमें ब्लड हमें चाहिए ही होता है हमारे जीने के लिए, ऐसे ही एक फर्म को कंटिन्यू रखने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल वर्ड फाइनेंस से बना है। फाइनेंस मीन्स मनी, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना। मनी को मैनेज करना इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका डेफिनेशन है मैनेजमेंट ऑफ मनी या फंड्स टू एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मनी का इस तरह से मैनेज करना, मनी को इस तरह से मैनेज करना कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लें, दिस इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स। यानी आप फंड्स जो हैं वहाँ बहुत बेस्ट तरीके से एक्वायर करें, ये नहीं कि सब कुछ लोन पे ले लें और फिर सब जितना भी आपका प्रॉफिट है वो सब आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी जब आपने एक्वायर कर लिया, फंड्स आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको जो यूटिलाइज आप कर रहे हैं वो भी बहुत एफिशिएंट तरीके से, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे। देन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, उसके बाद जब आपको कोई प्रॉफिट होगा उसको आप जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी एफिशिएंट वे में करेंगे। सो दिस इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट फाइनेंस का, मनी का, इस तरह से कि आपके फर्म के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड